तो यार रितेश, ये गुड़िया तुमने कितने की खरीदी? 30 रुपए की। तो कोशिश ये करी गई है कि जो यहाँ पे दुकानदार हैं, अब ये जलेबी बनती है, ये देख रहे हैं लोगों ने दुकानें तो लगाई हैं, लेकिन ये गांव का जो है, ये यहाँ की जो ब्लॉक है, ये यहाँ का लगा हुआ है मेला, और इस मेले को हम एक्सप्लोर करते हैं। इस बार क्या है कि बारिश हो गई है, और जिस समय लगना होता है तो यहाँ पे देख रहे होंगे पूरी जो मेले लगने वाली जगह है ये सारा यहाँ पे कीचड़ हो रखा है। तो इस बार जितने भी यहाँ पे शॉप लगाने के लिए लोग आए हुए हैं तो उनके साथ इस बार दिक्कत है कि वैसे ये 5 दिन, 4 से 5 दिन का मेला लगता है, तो मेले में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन पिछली बार की अपेक्षा बहुत ही कम लोग आए हुए हैं। और उसका कारण ये है कि अभी जो है बारिश का सीज़न है, तो ये भी नहीं पता है कि मेले में जाएं कैसे। कीचड़ इतना है कि जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि मेला, अगर मान लिया अपनी दुकान जो है अगर यहाँ हम लगाएंगे भी, तो अगर बारिश हो गई तो फ़ायदे की जगह उनको नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए क्या है कि वो मेले में नहीं आए हैं। ये देख रहे होंगे जो पंडाल हैं, यहाँ जो कार्यक्रम वगैरह भी होते हैं, तो उस तरीके से इस बार कुछ भी वैसा नहीं है। और तो ये देख रहे होंगे ये जो पूरा, लोगों ने दुकानें तो लगाई हैं लेकिन कीचड़ ही कीचड़ है। निकल जाओ बिटिया, पहले तुम रपट जी। तो इस बार मेला बिल्कुल गड़बड़ा आ गया बारिश चक्कर में। तो जो अलग अलग यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे दुकानें लगा रखी हैं, तो इस बार तो कोई मजा नहीं है, बारिश की वजह से गड़बड़ हो गया। तो कितने दिनों से अभी लगाए हुए थे? 3 दिन से लगाए हुए, लेकिन लोग बारिश की वजह से आ ही नहीं रहे, कीचड़ इतना। अब ये जलेबी बनती है, ये देख रहे होंगे सारी जलेबी यहाँ पे बनाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ये फूड स्टॉल यहाँ पे आपको आगे भी हम और दिखाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों के आते हैं। ये भाई साहब हमारे जो हैं, ये कहाँ से आपने बताया, कहाँ से आते हैं? विधाननगर से। विधाननगर, ये कहाँ पड़ता है, यहाँ से कितनी दूर? ग्राम सभा घुघेरा। कितनी दूर है होगा यहाँ से? यहाँ से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर हर साल यहाँ पे आते हैं? जी जी। तो इस बार अभी कितने दिन आते हुए यहाँ पे आए? यहाँ से आज हमको चार रोज 6 तारीख को आए थे, लेकिन इस बार बारिश की वजह से सारा जो काम है, देख रहे होंगे ये जो बारिश की वजह से नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा सर, रोज़ फेंकना पड़ता है भैया, रोज फेंकना पड़ रहा है जी। तो जो ये इस बार बिना सीजन के जो बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से क्या है, मेले में जो लोग आए हुए हैं तो वो वैसे तो बहुत, मतलब मेले में दुकान इसलिए लोग लगाते हैं आगे, दूर दूर से आगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा कम दिनों में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इस बीच में आएंगे। लेकिन इस बार गड़बड़ हो गया है मामला, इस बार बारिश हो रही है। जैसे ये भाई लोग रोल बना रहे हैं, कितने का रोल लेते हैं? 10 रुपये का। 10 रुपये का रोल है इनका। और तो इस बार दिन भर में अभी तक कितने रोल बेचे हैं? लगभग 50 रोल। तो वैसे आप पहले भी आए हैं इस मेले में? हाँ, कई बार। पहले दिन में कितने लगभग बेच देते हैं? बहुत भी ज़्यादा, कम से कम 200-300 के आसपास। 200-300, लेकिन इस बार बारिश की वजह से मामला थोड़ा गड़बड़ है। माटी पड़ जाए। ये देख रहे हैं सारा कीचड़ है। देखो मेले में दुकान जिन्होंने लगा रखी हैं अलग अलग, तो एक दिक्कत है, वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कभी कभी जो जो मौसम है वो लोगों का जो इनकम है उसको इफ़ेक्ट करता है। और ये जो सारे जो बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो फूड से रिलेटेड आप स्टॉल देख रहे होंगे बहुत सारे, लेकिन अभी अगर मान लिया नॉर्मल मौसम होता तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं।
ये आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो खिलौने हैं। कहाँ से आते हैं आप दुकान लगाने? मजहर नगर। अच्छा, मजहर नगर से। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। तो इस मेले में पहली बार आए हैं या उससे पहले भी आ चुके हैं? 15 साल से। 15 साल से। तो इस बार का जो मेला है, इस बार तो गड़बड़ हो गया सारा, बेकार हो गया। तो इनका कहना है कि 15 सालों से यहाँ पे जो है दुकान लगाने आते हैं, इस बार जो बारिश का सीज़न, जो बेमौसम बारिश अभी हो रही है, उसकी वजह से हुआ क्या है कि इनका जो धंधा है वो चौपट हो गया। क्योंकि जब तक मेले में लोग नहीं आएंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा खाली खाली एरिया देख रहे हैं, वरना ये शाम का जो वक्त है यहाँ पे आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आती है। तो ऐसा है, क्या कर सकते हैं। तो आप बहुत सारे इनके खिलौने। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो आप खिलौने हैं ये सारे कहाँ से लेके आते हैं? वैसे कानपुर है, लखनऊ है। कानपुर, लखनऊ, सब जगह से लेके आते हैं। भांगर मऊ संदीला। तो केवल यहीं का मेला करते हैं या और? हर जगह। हम ये आपको और जो शॉप लोगों ने लगा रखे हैं दिखा रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए खरीदारी कर रहे होते हैं। तुम लोग मेला देखने के लिए आए हो? कहाँ से? बेंदर से। तो हर बार आते हो? इस बार तो मामला तुम्हारा गड़बड़ हो गया, बेकार हो गया। अब अगर कल परसों में खुला तो खुला, कब तक है ये? बढ़ गया, दो दिन का बढ़ गया। तो इस बार तो मामला जो है मेले का थोड़ा बारिश की वजह से ख़राब है। तो वैसे यहाँ पे इस समय लगभग पूरा भीड़ रहता होगा, कितने लोग रहते होंगे इस समय? तो बहुत होता है, पिछले साल बहुत भीड़ थी। लेकिन तो आपकी बार बारिश की वजह से दो साल से पानी गिर रहा है। बारिश हो रही है ना जी? पिछली बार भी बारिश हुई थी? पिछली बार 2 दिन बारिश हुई थी, उसके बाद तो बढ़िया हुआ था। अच्छा, दो साल भी बढ़ा है, पानी गिर रहा है। आपकी बार आपकी तो बार बढ़ गया है, 3 दिन का बढ़ गया मैंने। नहीं ठीक है, छोड़ दो। उसके पहले कोरोना भी तो था? हाँ, लगता नहीं तो 2 साल पहले। 2 साल तो लगा ही नहीं कोरोना। तो कोशिश ये करी गई है कि जो यहाँ पे दुकानदार हैं उनको नुकसान ना हो, उनको मतलब उन वो जो इतनी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे उन लोगों को नुकसान ना हो, इसकी वजह से 2 दिन का मेला जो है 3 दिन का मेला और बढ़ाया गया है, ताकि जो भरपाई नुकसान की हो सके। आप लोग कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं? मुसलमानाबाद। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 20 किलोमीटर होगा। 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर से आते हैं, हर साल आते हैं। तो इस बार तो वैसे ही है, जो पेड़ा आप लगाते हैं, बर्फी लगाए हुए और जलेबी, तो इस बार तो उतनी बिक्री नहीं हो रही है? नहीं हो रही। डाउन हो गया बारिश की वजह से। नहीं तो इस समय तो बात करने तक का टाइम नहीं। तो मेले हैं और बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटा बिजनेस करते हैं, तो वो जब मेलों में आते हैं, इस तरीके के मेलों में आते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो मेलों में कम समय में आएंगे, और जो जैसे अगर वो मान लिया उनके पास 100 ग्राहक आते हैं तो मेले में उनके पास 300, 400, 500 ग्राहक आएंगे दिन भर में, तो उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ है, बारिश की वजह से मामला थोड़ा ठंडा है, और अभी शाम के 5:30 बजे हुए हैं, और ये देख रहे होंगे बच्चे जो हैं मेले में बहुत सारे आए हैं, सारे बच्चे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रौनक। तुम्हारा? गगन। शोभित। शिवम। रितेश। तो यार रितेश, ये गुड़िया तुमने कितने की खरीदी? 30 रुपए की। और ये झुंझुना? तो झुंझुना तुम खेलोगे या तुम्हारा भाई खेलेगा? और गुड़िया? गुड़िया भाई खेलेगा। तो ये है दोस्त लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे ज्यादा जो क्रेज होता है, सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है, किस किस क्लास में पढ़ते हो तुम लोग? दो में। कहाँ जाते हो पढ़ने?
सरकारी स्कूल में। तो ये देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेला देखने के लिए आए हैं। क्या हाल चाल? बढ़िया है। कहाँ से आए हो मेला देखने के लिए? मुन्नो खेरा से। मुन्नो खेरा से छोटे बच्चे हैं।